हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर के टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चंस। अब देखते हैं पेज नंबर 4.38। और क्वेश्चन कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, हम इसको पहले एक बार रीड करेंगे। यहां दिया गया था कि आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 respectively, with effect from 1st April 2022, they agreed to share profits equally. The goodwill of the firm was valued at 18,000. Pass necessary journal entries to record the above changes. तो देखो, आशा, निशा और दिशा तीन पार्टनर थे। तो यह लिखा जाएगा आशा, लिखेंगे निशा और दिशा। ये तीन पार्टनर थे, ये एक फर्म को रन कर रहे थे, एक बिजनेस को चला रहे थे। इनका पहला यानी कि ओल्ड रेशियो कितना था, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। आगे इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, बदल लिया। इनका न्यू रेशियो, इनकी इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, इक्वली, यानी कि 1:1:1। आगे आपको बोला गया है कि गुडविल आपको अगर फर्म की दे रखी है 18,000, तो आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है। सिंपल सी बात है, अगर ओल्ड रेशियो है और क्वेश्चन में न्यू रेशियो है, तो किसी पार्टनर ने गेन किया होगा और किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो किस पार्टनर ने गेन किया और किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, उसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या लिखेंगे हम, आशा, फिर लिखा जाएगा निशा, फिर लिखा जाएगा दिशा। पार्टनर का नाम लिखने के बाद उन सभी पार्टनर्स की हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, 3/1 में टोटल 3/6, निशा की 2/6 और दिशा की 1/6, इसमें से लेस करेंगे आप न्यू रेशियो, इनकी 1/1 में टोटल 1/3, 1/3, 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो तीनों के ही हमारे एलसीएम आ जाएंगे 6। तो हम तीनों के नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए 1 से, तो ये कितना आ गया आपका 3, ये 2 टाइम्स, यहाँ आ गया 2, तो ये आ गया 1/6। यहाँ करेंगे किससे, 2 - 2, 0/6। यहाँ करेंगे 1 - 2, ये आ गया -1/6। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे आशा ने सेक्रीफाइस किया कितना, 1/6 शेयर का आशा ने सेक्रीफाइस किया है। निशा को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने के बाद, चेंज होने के बाद, ना तो उसे प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ना तो उसने गेन किया ना ही उसने सेक्रीफाइस किया। दिशा, जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो दिशा ने क्या किया है, गेन किया है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दिशा ने सेक्रीफाइस ना करते हुए उसने गेन किया है। अब कितना गेन किया है, जैसे ही नेगेटिव आ जाए हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्म की गुडविल से, जैसे नेगेटिव आता है हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्म की गुडविल से, जो हमें दी गई है 18,000। यहाँ पे लिखा जाएगा 18,000, ये 18,000 क्या है, फर्म्स गुडविल। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3,000। माइनस का क्यों लिखा है हमने, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से दिशा ने क्या किया है, गेन किया है, इसने क्या किया है, गेन किया है। अगर गेन किया है तो कंपनसेट करने के लिए, यानी कि जो जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, यानी कि आशा ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइस किया है तो कंपनसेट करने के लिए दिशा के अकाउंट से वो अमाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट,
ये अमाउंट क्या हो जाएगी डेबिट, और ये पैसा किसको दिया जाएगा कंपनसेट करने के लिए, आशा को ये पैसा दिया जाएगा, तो आशा का अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री की हम जगह बनाएंगे। अब हम करेंगे जर्नल एंट्री, फॉर्मेट क्या होता है डेट पर्टिकुलर एल एफ डेबिट क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे क्या दे रखा है, डेबिट में लिखा जाएगा किसको दिशा को, एंट्री बनेगी दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितनी आएगी 3000, 3000। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 From 1st April 2022, they decided to share profit and losses equally. The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase. यानि कि आपको purchase year given है 2 years of the average profit of the preceding 5 years. आपको average profit 5 सालों का calculate करना है. The profits and losses of the preceding years ending 31st March are 2018 का आपको जो प्रॉफिट दिया गया है 70,000, 19 का 75,000, 2020 का 55,000, 21 का 35,000 और 22 का क्या हुआ है लॉस 10,000 रुपीज का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है एंड पास जर्नल एंट्री। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। तो एक्स वाई जेड हमारे पार्टनर्स हैं, लिखेंगे जी एक्स वाई जेड हमारे पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था 5:3, तो हमने ओल्ड रेशियो लिखा 5:3:2। उसके बाद आप ये देखेंगे पार्टनर्स इक्वली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कर लिया, इनकी न्यू रेशियो क्या है 1:1:1। अगर क्वेश्चन में आपके पास ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है तो आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स का, वो क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखा जाएगा वाई, यहाँ लिखा जाएगा Z। X में आपका ओल्ड रेशियो X का कितना है 5:10, Y का 3:10, Z का 2:10। माइनस करेंगे न्यू रेशियो है इक्वल है तो 1:3, यहाँ पर भी 1:3, यहाँ पर भी 1:3। फिर आप लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा तीनों का 30,000। तो तीनों के डिनोमिनेटर में आप 30 लिखा जाएगा। अब 10 को 30 बनाने के लिए 3 से किया था, आ जाएगा 15। यहाँ 3 को 30 बनाने के लिए 10 से किया था, यहाँ 10, यहाँ गया हमारा 5:30। 10 को 30 तो हमने पे 3 से किया होता, 3:9 माइनस या करेंगे 10 या जाएगा -1:30। 10 को 3 से करेंगे आ गया आपका 6 और 3 को 10 से करेंगे आ गया आपका 10, आ गया -4:30। तो हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पे सिर्फ x नहीं यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे ही चेंज हुआ ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो में जैसे ही आया x ने सैक्रिफाइस किया, बाकी पार्टनर y और पार्टनर z ने क्या किया है गेन, क्यों किया है नेगेटिव में आ चुका है, इन्होंने क्या किया है गेन किया, कितना किया है फॉर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे पता लग जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास फॉर्म की गुडविल गिवन थी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है, फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे जी एवरेज प्रॉफिट, वो क्या होता है सभी पार्टनर्स की जो भी हमारी क्या जो प्रॉफिट है लास्ट 4-5 years का उसको लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे कितने इयर्स का है, इनकी टोटल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है हमारा टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ इयर्स, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 70,000, तो मैं थोड़ा सा यहां से लिख रहा हूं 70,000 प्लस 19 का 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 और लास्ट ईयर में क्या है लॉस, उसको लेस करेंगे आप कितने किससे डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 145 और आपका 2,35 एंड 225 डिवाइड करेंगे आप 5 से, ये आ जाएगा आपका 45,000 के 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड नंबर पे आप कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा लास्ट के 5 इयर्स का? 45,000 मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर। क्वेश्चन में आपको मेंशन है, वहां दिया गया है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज, तो 2 है आपका परचेज ईयर, तो कितना आ जाएगा हमारे गुडविल 90,000। ये गुडविल किसकी होती है? किसी पार्टनर की? बिल्कुल नहीं, ये फर्म की गुडविल होती है। फर्म की गुडविल कितनी आ गई है? 90,000। उसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म की गुडविल को 90,000, यहां पर लिखा जाएगा 90,000। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, यहां पर भी 90,000 करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल सभी में कर दिया जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ गया हमारा 15,000, ये आ गया हमारा माइनस का 3,000, और ये आ गया हमारा माइनस का 12,000। अगर ये नेगेटिव आए हैं, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने गेन किया है, और जो नेगेटिव नहीं आया है उसने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से। अब सेक्रीफाइस किया तो उसको पैसा मिलेगा कंपनसेशन के तौर पर, तो इसके अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इन्होंने गेन किया तो ये पैसा पे करेंगे, जिसने सेक्रीफाइस किया है तो इनका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। एंट्री पास कर देंगे, एंट्री पास कर देंगे डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। एंट्री क्या होगी हमारी? डेबिट में लिखा जाएगा YS कैपिटल अकाउंट डेबिट, ZS कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। देखेंगे YS कैपिटल अकाउंट डेबिट, ZS कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लिखा जाएगा X कैपिटल अकाउंट। Y में कितना लिखा जाएगा? 3,000। Z में कितना लिखा जाएगा? 12,000। और X में कितना लिखा जाएगा? 15,000, ठीक है। नोट कर रहे हैं आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मनदीप विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 फ्रॉम 1st अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल शैल बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज, यानी आपको परचेज ईयर कितना गिवन है? 3 ऑफ एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ पास्ट 5 इयर्स आर, फिर आपको प्रॉफिट दिया गया है। लास्ट में आपसे बोला गया है कि पास जर्नल एंट्री शोइंग द वर्किंग, यानी कि आपको अपनी जर्नल एंट्री को पास करना है और वर्किंग को भी अच्छे से शो करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 4.39 क्वेश्चन नंबर 7। पार्टनर्स के नाम क्या है? मनदीप विनोद और अब्बास। तो यहां लिखेंगे मनदीप विनोद और अब्बास, इनका ओल्ड रेशियो क्या था? इनका ओल्ड रेशियो था 3:2:1। फिर इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया, बदल लिया, वो क्या है अब? 1:1:1। जब आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है, तो क्वेश्चन के अंदर एक पार्टनर ने क्या किया हो? किसी ने सेक्रीफाइस किया हो, किसी ने गेन किया होगा, तो वो कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले से। वो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ लिखा जाएगा मनदीप, इनकी सभी पार्टनर्स का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा मनदीप, फिर लिखेंगे आप विनोद, और फिर लिखा जाएगा अब्बास। इन सभी पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1, 3:6, 2:2:6, 1:1:6 लेस करेंगे, इक्वल है तो 1/3, 1/3, 1/3 एलसीएम लेंगे सभी का, सभी का एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, तो एलसीएम जो आ गया उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा,
तो यहाँ लिखेंगे तो आएगा 3 माइनस 2, यह आ गया आपका 1 ओवर 6। फिर यहाँ देखेंगे 2 माइनस 2, यह आ गया आपका 0 बाय 6। फिर यहाँ करेंगे 1 माइनस 2, यह आ गया माइनस 1 ओवर 6। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते वक्त अगर कोई रेशियो नेगेटिव आता है तो यानी कि इस व्यक्ति ने यानी कि इस पार्टनर ने इसने सैक्रिफाइस नहीं किया, तो फिर शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से इसको क्या हुआ है, इसको गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है किस हिसाब से, वो सारी चीज देखेंगे। आपको बोला गया है कि फर्म की गुडविल आपको दी गई है कैलकुलेट करने बेसिकली, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट के लिए आपको इंफॉर्मेशन जो दी गई है ये है 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख, और लेस करेंगे क्या 50,000 क्योंकि वो लॉस है, लास्ट का वो लॉस है तो उसको हमने लेस किया है। डिवाइड करेंगे 5 से क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 फाइव ईयर्स का आप एवरेज निकाल रहे हैं इसलिए 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1, 250, 450, 650 में डिवाइड करेंगे 50 तो आ जाएगा 6 लाख। अपॉन में डिवाइड करेंगे आप 5 से, ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट लास्ट के 5 इयर्स का एक फर्म का, वो आ चुका है 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है तो यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा जी गुडविल। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ चुका है 1,20,000, आप मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर से, ठीक है। तो परचेज ईयर कितना आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 3 इयर्स, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3,60,000। अभी जो गुडविल हमने कैलकुलेट की है वो गुडविल किसकी है, फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, गिवन होगा 6 था, मल्टीप्लाई करेंगे फर्म की गुडविल से वो है 3,60,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 3,60,000, यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे कोई फायदा नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 60,000, यहाँ आ जाएगा माइनस का 60,000। यानी कि अब्बास ने गेन किया है, जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदली वो चेंज हुई अब्बास को गेन हुआ, अब्बास को गेन हुआ है क्योंकि उसका रेशियो नेगेटिव आया है, उसको गेन हुआ है। तो कंपनसेट करने के लिए जो पैसा उसने दिया है मंदी को दिया है 60,000, तो अब्बास का अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और ये पैसा किसको मिला है मंदी को, क्योंकि मंदीप ने क्या किया है सेक्रीफाइस, और मंदीप ने सेक्रीफाइस किया तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री पास करेंगे यहाँ पर, यहाँ डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में लिखा जाएगा किसको, डेबिट में लिखा जाएगा अब्बास को, तो लिखेंगे अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मंदीप कैपिटल अकाउंट, टू मंदीप कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बताइए 60,000, अमाउंट आएगी 60,000, ठीक है, नोट करें आप। आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड दैट द इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2021 दे वुड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। But this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 2022 of 90,000 was distributed in the old profit sharing ratio. Firm's goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 years' profit preceding the date decision become effective. Profit for the year ended 31st March 2020 and 2021 were 60,000 and 75,000 respectively. Capital account of the partners as at 31st March 2022 stood at 1,50,000 for A and ₹90,000 for B. Pass necessary journal entries and prepare the partners capital account. सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ए और बी दो पार्टनर थे, पहले वो अपना प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे थे 2:1 में। हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तो पार्टनर के नाम क्या है ए और बी,
पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, यानी कि उनका ओल्ड रेशियो क्या था, वो है 2:1। अब उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, अब वो कितना हो चुका है 3:2। तब जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो किसी पार्टनर ने गेन किया होगा तो किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, होता क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या लिखा जाएगा ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या है 2/3, यहाँ आएगा 1/3, माइनस करेंगे। न्यू रेशियो क्या है 3/5 और 2/5, इसका एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 15, यहाँ एलसीएम लेंगे ये भी आ जाएगा 15। 3/5 टाइम्स ये आ जाएगा 10, 3/5 3 टाइम्स ये आ जाएगा 3, ये कितना आ गया हमारा 9, यानी 1/15। 3/5 टाइम्स ये आएगा 5 और 5 3 टाइम्स ये आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा हमारा 6, ये आ गया हमारा -1/15। यानी कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट जब हम कर रहे थे तो पार्टनर ए ने सैक्रिफाइस किया है, कितना सैक्रिफाइस किया है 1/15 पार्ट उसने सैक्रिफाइस किया है और बी ने गेन किया है क्योंकि ये नेगेटिव आया। जैसे ये चीज आती है नेगेटिव आती है हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्म की गुडविल से। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं हमें दिया गया है फर्म की गुडविल, देखिए वहां पे देखा ना फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड, तो फर्म की गुडविल वो वैल्यू की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट रिसीविंग द डेट डिसीजन बिकम इफेक्टिव, यानी कि लास्ट के जो ईयर्स दे रखे हैं उनका एग्रीगेट यानी उनका टोटल करोगे तो फर्म की गुडविल वो वैल्यू की जाएगी। तो हमें लिखेंगे फर्म्स गुडविल, क्या लिखा जाएगा फर्म्स गुडविल, लास्ट के 2 years के प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे, यानी कि जो 2020 और 2021 का प्रॉफिट है उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी, वो कितना है 60,000 प्लस में हमारे पास कितना है 75,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,35,000। ये क्या आ गया फर्म की गुडविल आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1,35,000, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1,35,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ए का 9,000 आ जाएगा और बी का जो आएगा वो आएगा माइनस का 9,000, क्योंकि इसका रेशियो नेगेटिव था तो आंसर भी हमने नेगेटिव में रखा है। अब नेगेटिव में रखा है तो यानी इसने क्या किया है गेन किया है, इनकी पार्टनर बी को गेन हुआ है, इसका पॉजिटिव में है तो पार्टनर ए को क्या हुआ है उसने सेक्रीफाइस किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से। अगर सेक्रीफाइस किया है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, उसको पैसा मिलेगा। इसने गेन किया है तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, पैसा देगा सॉरी। इसकी एंट्री पास करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री की जाएगी डेट पर्टिकुलर एलएम डेबिट क्रेडिट एंट्री की जाएगी। एंट्री क्या होगी डेबिट में लिखा जाएगा बी को, एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिखी जाएगी 9,000, अमाउंट लिखेंगे 9,000। ठीक है, ये गुडविल की ट्रीटमेंट हमने कर दिया अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो। फिर दिया गया था कि सेकंड लाइन में आप देखेंगे लिखा था बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31st March 2020 of 90,000 was distributed in the old profit sharing ratio, यानी कि गलती हो गई, profit sharing ratio change कर दिया था, but गलती से हमने profit को नए ratio की जगह हमने old ratio में ही distribute कर दिया, तो question किस चीज का है past adjustment का, chapter second के अंदर हम लोगों ने सीखा है कि अगर आपसे गलती हो जाती है तो सबसे पहले क्या करेंगे जगह छोड़ देंगे, तो जनरल एंट्री की जगह छोड़ देंगे क्योंकि हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, जो हमसे गलती हुई है उसको एडजस्ट करना है, तो हमने जर्नल एंट्री की जगह छोड़ी है। अब जर्नल एंट्री की जगह छोड़ दी है उसके बाद वर्किंग नोट, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, यहाँ लिखा जाएगा क्या एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल में जो हमसे गलतियां हुई है तो हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे जी पर्टिकुलर पार्टनर के नेम क्या है ए और बी, पर्टिकुलर ए बी, और यहाँ आएगा आपका फॉर्म, लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी और यहाँ आ जाएगा आपका फॉर्म, तो जो भी आपकी गलतियाँ हैं उनको यहाँ पर ठीक किया जाएगा और इसमें आ जाएगा आपका डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब गलती क्या हुई थी कि प्रॉफिट को हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया तो वो पैसा फॉर्म वापस लेगी पार्टनर से, यहाँ लिखेंगे जो पैसा वापस लिया जाएगा लिखेंगे प्रॉफिट
रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पार्टनर्स को हमने गलत रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो पैसा वापस लिया जाएगा उसको कलेक्ट रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना हमने प्रॉफिट कर दिया है, फर्म ने 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में, यानी कि 2:1 में। तो जिस रेशियो में हमने उनको दिया है, जिस रेशियो में फर्म ने पार्टनर को पैसा दिया है प्रॉफिट का गलत रेशियो में, उसी रेशियो में वही पैसा उनसे वापस लिया जाएगा। और वापस लेंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। उनके अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। आते हैं देखेंगे 90 को देंगे 2:1 में, तो ये आ जाएगा आपका 60,000 ए से पैसा वापस लिया जाएगा, और बी से कितना पैसा वापस लिया जाएगा 30,000। इनसे पैसा वापस लिया गया है तो इनके अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट। ये पैसा वापस किसने लिया है, फर्म ने। तो फर्म के पास ये पैसा आएगा 60 + 30, फर्म के पास कितना पैसा आ गया 90,000। फर्म के पास पैसा आया तो उसको हमने कहां शो कर दिया, क्रेडिट साइड में। एक ही गलती हुई थी उसको हमने सुधार लिया। अब टोटल करेंगे जी सारी गलतियों को ठीक करने के बाद, जी एक ही गलती थी, फर्म के पास एक गलती को ठीक करने के बाद पैसा आया है 90,000, और पैसा आया है तो फर्म को क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, तो इधर लिखेंगे जी 90,000, इसके बिल्कुल आगे लिखा जाएगा प्रॉफिट शेयर। इसके बिल्कुल आगे लिखा जाएगा प्रॉफिट शेयर, कितना प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, जो पैसा आया है फर्म में 90,000। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, इसको हम ठीक करेंगे। न्यू रेशियो है 3:2, 3:2। अब 90,000 को 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 से करेंगे, आ जाएगा 54,000। ये पैसा मिलेगा तो ए के क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखेंगे 54,000, और बी को कितना पैसा मिलेगा 36,000, यह आएगा 36,000। अब चेक करेंगे ए से कितना पैसा लिया गया था 60,000, उसको लौटाया कितना गया 54,000, सही प्रॉफिट जो दिया गया। तो यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट में कितना आ जाएगा हमारा 6,000। ए का अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हो गया 6,000 से। बी से कितना पैसा वापस लिया गया था 30,000, फॉर्म ने वापस लिया था, उसको दिया कितना 6,000, तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने अमाउंट से 6,000 से। ठीक है, एंट्री क्या होगी, डेबिट में किसको लिखा जाएगा, ए को, क्रेडिट में किसको लिखा जाएगा, बी को। एंट्री क्या होगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगी 6,000, अमाउंट क्या आएगी हमारी 6,000। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां बनाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, ये हमारी है डेबिट साइड, मैं इनको रब कर रहा हूं, ये है हमारी डेबिट साइड, ये है हमारी क्रेडिट साइड। और फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के। ठीक है, अब चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या बैलेंस है पार्टनर्स का, तो दिया गया लास्ट में देखिए, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एज एट 31st March 2022 स्टूड एट 1,50,000 और 90,000। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पहले से पार्टनर का बैलेंस था कैपिटल का वो था 1,50,000 ए का था, और बी का कितना था 90,000। ठीक है, फिर उस जो इन्फॉर्मेशन हमें अभी हमने की है उसके हिसाब से देखेंगे, जो एंट्री हुई थी कैपिटल अकाउंट के अंदर हम जा रहे हैं, तो दो एंट्रीज हमारे पास है, दोनों में कैपिटल है। ये हमारी कौन सी एंट्रीज है, कॉन्ट्रा एंट्री, डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही क्या है, कैपिटल है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप यहाँ देखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर ये जो बी है हमारा डेबिट से कहा जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय क्या लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट, टू हमारा क्रेडिट से अकाउंट में कहा जाएगा डेबिट साइड में, टू एज कैपिटल अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जो भी आप नाम लिखेंगे अमाउंट उसके अपोजिट में जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब यही है। तो बी में कितने हैं 9,000, बी हमारा डेबिट में है 9,000, तो बी लिखा हुआ है, तो हमने कहाँ लिखा, जर्नल एंट्री से हमने अकाउंट में लिखा, तो यहाँ बी लिखा हुआ है कॉन्ट्रा एंट्री है, तो अमाउंट कहाँ जाएगी ए में जाएगी, बी लिखा है तो अमाउंट कहाँ जाएगी ए में, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कितनी है 9,000। यहाँ ए लिखा है
तो अमाउंट कहां जाएगी, बी में जाएगी क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अमाउंट कितनी जाएगी 9000। सेम इन द केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जो प्रॉफिट हमने गलत बांटा था उसकी हमने जर्नल एंट्री की थी, इसको जब यहाँ पे पोस्ट करेंगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो ये हमारा डेबिट साइड में लिखा है तो यहाँ पे अकाउंट में जाएगा, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट। और इस टू को, ये जो हमारे क्रेडिट में है इसको लिखेंगे डेबिट में, यहाँ लिखा जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में दोनों ही हमारा कैपिटल अकाउंट है, तो कॉन्ट्रा एंट्री है तो जब जहां पर जो नाम होगा अमाउंट उसके अपोजिट में जाएगी। तो यहाँ ए लिखा है तो जो 6000 की अमाउंट है, ए लिखा है तो अमाउंट हम बी में लिखेंगे, कितनी अमाउंट लिखी जाएगी 6000। पर यहाँ पर बी लिखा है तो अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी 6000, क्योंकि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, इसको हम टोटल करेंगे, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आप यहाँ टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,59,000 और यहाँ आ जाएगा 96,000। यहाँ पर भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल करेंगे 1,59,000 और यहाँ लिखा जाएगा 96,000। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्या लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, इसको लेस करेंगे आ जाएगा 1,53,000। 96 में से 9 को लेस करेंगे आ जाएगा 87,000, ठीक है। आप लोग नोट कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।